प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि धर्मशाला के तपोवन विधानसभा भवन साल में कुछ दिन ही खुलता है। प्रदेश के निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने यहां पर अकेडमी खोलने का विषय भारत सरकार के समक्ष उठाया है, जिससे विधायकों और सांसदों का प्रशिक्षण जो कि दिल्ली में होता है, वो प्रशिक्षण यहाँ पर धौलाधार के आंचल में संचालित किया जाए। पत्रकार वार्ता में परमार ने कहा कि देश भर के विधायक जो प्रशिक्षण के लिए दिल्ली आते हैं, उनके लिए एक ऑप्शन हिमाचल प्रदेश भी हो, इसके लिए हमने शुरुआत की है। इस विषय को पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के समक्ष रखा है। इस विषय में कोरोना के चलते गति में कमी आई है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि ये संकल्प पूरा होगा और इस विधानसभा का पूरे साल सदुपयोग हो सकेगा। एमएलए इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना हमारा परमो धर्म है। जनता ने विश्वास के साथ विधायकों को चुनकर भेजा है। टेक्नोलॉजी इनके जीवन में आए, इसके लिए कार्य किया जा रहा है कि ये विधानसभा हमारे कांगड़ा के लिए, निचले हिमाचल प्रदेश के लिए साल में कुछ ही दिन ये खुलती है। और मैं देखता हूं कि लगभग अधिकतर समय इसके रख रखाव के लिए, इसके साफ सफाई के ऊपर खर्च होता है। हमारे मेरे से निवर्तमान जो माननीय विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी रहे, इस विषय को उन्होंने भारत सरकार के साथ उठाया है कि भाई यहां पर एक एकेडमी खोली जाए। मैं कोई घोषणा नहीं कर रहा हूं, एकेडमी खोली जाए ताकि माननीय विधायकों का और पार्लियामेंटेरियन का जो प्रशिक्षण दिल्ली में होता है, यहां पर धौलाधार के चरणों में इतना रमणीक स्थान है जहां पर शांति भी है, और यहां पर ये एकेडमी खोली जाए ताकि हिंदुस्तान के जितने भी माननीय विधायक प्रशिक्षण के लिए दिल्ली आते हैं, दिल्ली के लिए एक ऑप्शन हिमाचल प्रदेश भी हो। उसके लिए हमने शुरुआत की है। इस विषय को हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखा है, माननीय अमित शाह जी के सामने रखा है, ओम बिरला जी के सामने रखा है, संसदीय कार्य मंत्री जी के सामने रखा है, और हिमाचल प्रदेश के जो हमारे यहां से जुड़े हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से भी इस विषय को हमने रखा है। और कोरोना के कारण कुछ गति कम हुई है, पर मुझे इतना जरूर विश्वास है कि आने वाले कुछ वर्षों में ये हमारा संकल्प पूरा होगा, ताकि 12 महीने इसका उपयोग हो सकेगा और प्रशिक्षण इलेक्टेड लोगों का यहां पर हो सकेगा। उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सारा विषय मैंने आपके सामने रखा है कि हम ई विधानसभा प्रणाली को और मजबूत करना चाहते हैं, सशक्त करना चाहते हैं, क्योंकि एमएलए इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना हमारा ये परमो धर्म है। और क्योंकि जनता ने एक विश्वास के साथ जिनको भेजा है,